हेलो दोस्तों, मैं आयुष पटेल। मैं आपको बताऊंगा अनुभूति और भावना में डिफरेंस क्या है। अनुभूति फीलिंग्स हमारी और भावना हमारे इमोशंस। जब हमारी फीलिंग्स जो होती है, फीलिंग्स एक एहसास है, और जब फीलिंग्स को हम अपने विचारों के माध्यम से हम प्रकट कर देते हैं, शो कर देते हैं, वो हमारी भावनाएं होती हैं। तो फीलिंग्स हम किस तरह से कर सकते हैं? फीलिंग्स कई प्रकार से, जैसे हमें त्वचा के माध्यम से कर सकते हैं, देखकर, किसी को देखकर कर सकते हैं, और एक हमारा है सूंघकर। तो हम पहला एग्जांपल लेते हैं त्वचा के लिए। जैसे हमें इस समय पर ठंडी का मौसम है, तो अगर ठंडी में हम किसी ने ठंडे हाथ से हमें स्पर्श किया, तो हमारी क्या है, हमने उसे महसूस करेंगे कि ठंडी लगी। लेकिन जब हम तक हम उसे हमारी वो आंतरिक भावनाएं हैं, इंटरनल है, जब उसे बाहरी रूप से विचारों के माध्यम से प्रकट करके आपका हाथ ठंडा बहुत है, तो हम उसे क्या कर दिया, हमने उसे भावना के रूप में प्रकट किया हमने। और फीलिंग्स जो हमारी क्या थी, वो आंतरिक भावना थी। क्या होती है फीलिंग्स को हम क्या कर सकते हैं, छुपा सकते हैं, और जब हम उसे बाहरी रूप से प्रकट कर देंगे तो हमारी भावनाएं होंगी। तो भावनाएं जो होती है फीलिंग्स को बदल सकती है। मतलब हम किसी के सामने अच्छा शो होने के दिखा सकते हैं कि हम अच्छे हैं, तो मतलब लेकिन हम होते नहीं एक्चुअल में अच्छे, हम कुछ और शो कर रहे हैं। तो भावनाएं जो हमारी होती है बाहरी आवरण है, वो हमारी आंतरिक आवरण मतलब हमारी फीलिंग्स को, अनुभूति को हमें छिपा, हमारी अनुभूति को छिपा सकती है। ठीक है, अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखकर, किसी को हम देखें तो हमारी उसके अंदर की जो धारणाएं होती है, जो हमारी हमने जो आंतरिक रूप से सोच लिया, हमने मन में सोच लिया, वो हमारी उसके प्रति कुछ और होगा। लेकिन हम उसके सामने जो शो करेंगे, हम उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारी दृष्टि जो थी वो अलग थी, हम कुछ और उसके बारे में सोचे, कुछ गलत सोचे या कुछ भी, जैसे भी सोचे, जो भी सोचा हमने, तो लेकिन उसके सामने हम जो दिखा रहे हैं वो हमारी भावनाएं हैं, जैसे हमें प्रकट की हमारे अपने विचारों के माध्यम से, वो हमारी ओर। और जैसे हम एक एग्जांपल अब लेते हैं सूंघने से, जैसे एक पुष्प है, तो पुष्प हम उसे हमने सूंघा, और जो हमारे उसका एहसास, जो उसका सुगंध है, वो हमारी फीलिंग्स है, हमने उसे हमें महसूस किया, एहसास है एक, हमने उसे महसूस किया। और हम जब किसी को सामने अपने विचारों के माध्यम से प्रकट करेंगे कि वो कैसा है, अच्छा है सुगंध उसका, मतलब सुगंध तो सुगंध, फूल पुष्प का सुगंध तो अच्छा ही होगा, तो हमने उसे बाहरी रूप से प्रकट किया, मतलब वो भावना के रूप में प्रकट किया।